नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एडिटेड। जनपद बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर। दबंगों ने किया नाबालिग युवती को खेत में ले जाकर दुष्कर्म। दबंग युवकों ने तेजाब डालने और जान से मारने की धमकी देकर तीनों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिजनों ने पीड़िता के साथ थाने जाकर दबंगों के खिलाफ तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। दुष्कर्म के बाद दबंग युवकों ने नाबालिग युवती का अश्लील वीडियो भी बनाया। दबंगों ने घटना की जानकारी परिजनों को देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। नाबालिग युवती बेहोशी की हालत में गांव के जंगल में ट्यूबवेल के पास नाली में पड़ी मिली। पीड़िता की तहरीर मिलने के बाद सलीमपुर पुलिस मामले की जाँच में जुटी। बुलंदशहर सलीमपुर थाना क्षेत्र के एक गाँव का है पूरा मामला। समाचार ए टू जेड के लिए बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। रिपोर्ट करवाने के लिए आए। किस चीज की रिपोर्ट करवाना है? आपकी रिपोर्ट दर्ज हो गई अभी नहीं हुई? वो तो वही पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। पूरा मामला क्या है? आप सलीमपुर थाने आई हैं, क्यों आई हैं, क्या पूरा मामला है? कल भी आए थे, आज भी आए थे, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। करें तहकीकात कर रहे हैं, अभी तहकीकात भी खत्म हो रही है। सब हो रहे हैं, नहीं हुआ मेडिकल की तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कुछ भी। किससे मिले अब हमें, क्या पता किससे मिलेंगे। जब आप ऐसे सलीमपुर साहब से मिले तो क्या बोल देते हैं? वो यही कह देते हैं ना, कार्रवाई कर रहे हैं, देखो अभी तहकीकात कर रहे हैं। आपने एप्लीकेशन सलीमपुर थाने में दी है, कितने दिन हो गए सलीमपुर थाने में? कल दी थी, रहते जाओ वहाँ बातें करो हो जाएंगी। यहाँ कोई सुनवाई नहीं कर रहा है।